देखिए हमारा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है जो कि है 16 फीट बाय 42 फीट का ईस्ट फेसिंग पूरब मुखी। सबसे पहले पार्किंग आता है और स्टेयर्स आ रही हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। पार्किंग का साइज़ है, अगर हम ये बात छोड़ दें तो 6 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 3 इंच, 13 फीट 0 इंच, ठीक है। और बात हमको दे दिया एक जो कि है 4 फीट 4 इंच बाय 5 फीट का। यहाँ एक थोड़ा सा स्पेस है, आप इसका लॉन बना सकते हैं, आप कुछ पेड़ पौधे रख सकते हैं। फिर एक किचन आता है हमारा जो कि है 7 फीट बाय 9 फीट का, साउथ फेसिंग में आ रहा है हमारा, इसमें वॉश एरिया इंक्लूड है। हॉल आता है जैसे हम एंट्री करते हैं, वो है 7 फीट 2 इंच बाय 12 फीट 10 इंच का। किचन में वॉश एरिया इंक्लूडेड है, अटैच है, तो 4 फीट 2 इंच बाय 3। फिर देख सकते हैं आप ये आ रहा है यहाँ से, हॉल से जैसे ही हम गए एक सेपरेट बाथ है हमारा 4 फीट 4 इंच बाय 4 फीट का। फिर एक बेडरूम आता है जो कि है 9 फीट 8 इंच बाय 9 फीट का। एक लिफ्ट, एक लेट अटैच जो सेपरेट है लेट हमारा यहाँ 4 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 3 इंच का। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ क्लोज कर दें और इसको इंक्लूड कर लें इसके अंदर, ठीक है, तो ये इस अटैच कहलाएगा। पर अटैच हम ऑलरेडी यहाँ दे चुके हैं इसलिए हम यहाँ सेपरेट दिए हैं, ठीक है। तो आप बताएं कमेंट में कैसा लगा आपको। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम देखें तो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम 10 आएंगे यहाँ। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो साउथ ईस्ट फेसिंग में हमारा किचन है जो कि सही डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी स्टेयर्स हैं जो कि सही डायरेक्शन में है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि आपका एक मास्टर बेडरूम है या बेडरूम है, तो उसका मास्टर बेडरूम आप बना सकते हो। अगर आप इसको टोटल बनाना चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, अगर आप ये टॉयलेट ना देना चाहो तो आप पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हो। किचन हमारा 7 फीट बाय 9 फीट का है, सफिशियंट साइज़ है। हॉल अब हम साइज़ ज़्यादा था नहीं इसलिए हमने ऐसे में 12 फीट 10 इंच दे दिए। तो कैसा लगा आपको ये नक्शा आप कमेंट में बताएं। ऐसे ही मैं नक्शे लाता रहूँगा आपके लिए, आप जो जैसा कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।